नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आदेश के अनुपालना में अपमिश्रित शराब और खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी बलदेव ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम जुगसना में जहरीला कृत्रिम नकली बनावटी सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से सिंथेटिक दूध से भरा एक टैंकर समेत करीब 10,000 लीटर नकली कृत्रिम सिंथेटिक जहरीला दूध और सिंथेटिक दूध बनाने में प्रयुक्त भारी मात्रा में उपकरण एवं कच्चा माल स्किम्ड मिल्क पाउडर SMP और रिफाइंड ऑयल बरामद किया। मौके पर खाद्य सुरक्षा औषधीय प्रशासन की 3 सदस्यीय टीम बुलाई गई। इस टीम ने सिंथेटिक दूध और अन्य सामान की सैंपलिंग की। सिंथेटिक दूध बनाते समय 7 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए। उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध IPC की धारा 243/21, 272, 273, 419, 420, 353, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सरस्वत की रिपोर्ट। पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो मिलावटी और जहरीला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। CO साहब और SHO बलदेव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर रेड किया गया और वहां पर एक्टिवली दूध और दूध के आगे जो प्रोडक्ट्स हैं पनीर व क्रीम व अन्य चीज़ें वहां पर बनाई जा रही थी, उसमें यूज़ होने वाले काफ़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जो नकली मिलावटी और जहरीला दूध था 10,000 लीटर जो कि एक कंटेनर में टैंकर में भरा हुआ था, वो टैंकर कंटेनर और दूध भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे बेकिंग सोडा है या और भी केमिकल्स जो कि इसको एक तरह से जहरीला दूध बनाते थे, वो भी बड़ी मात्रा में इसमें बरामद हुए हैं। इसमें इसका इस पूरे जो इसका खुलासा हुआ है उसमें सरगना मुन्नालाल इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसके साथ साथ इसके 6 साथियों की भी अरेस्टिंग हुई है। इन सभी को अरेस्ट करके और माल को बरामद करके जेल भेजा जा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको भी सूचना दी गई है, उनके द्वारा भी इसका सैंपल लिया गया है। ऐसी सूचनाएं जनपद के और क्षेत्रों से भी हमें प्राप्त हो रही हैं जिसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर और ऐसी चल रही फैक्ट्रियों के ऊपर और सख्त कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के माध्यम से इनके द्वारा जो अवैध रूप से धन अर्जित और संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी जानकारी की जाएगी और वो भी कुर्क की जाएगी। सप्लाई करते इनके द्वारा, क्योंकि कंटेनर भी मिला है तो इनके द्वारा दिल्ली तक और बाकी अन्य आसपास के जनपदों तक की सप्लाई की बात भी सामने आई है। अलीगढ़ है, हाथरस है, दिल्ली है और मथुरा में भी इसकी सप्लाई होती थी। इस सफलता के लिए बलदेव पुलिस को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है।